गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वॉचिंग हॉर्न बिल्स पोएम सेकेंड एंड यूनिट नंबर 7 एंड टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द पोएम लाइन टू लाइन एंड वेन एवर वी गो थ्रू द पोएम्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी वॉन्ट टू डिस्कस द हेडिंग सो द हेडिंग ऑफ दिस पोएम इज द वॉइस ऑफ द रेन नॉर्मली वी नो द फॉलिंग एंड द टिपिंग साउंड ऑफ द रेन बट Here, a little bit strange meaning. The poet Walt Whitman want to say something strange, and it is the conversation between the poet and the rain. So that's why it is really very strange, and it is very important to know the voice of the rain. What does she speak, and what does the poet understands? Though things are really important. So this is a conversational poem and both are talking to each other and he is telling to the people. Let's go through all the chapter. First, we will go through word to word meaning of the poem. And who art thou, said I to the soft falling shower. तो यहाँ एंड है जिसका मतलब है और हू मीन्स कौन आर्ट मीन्स आर दाउ मीन्स यू आर्ट इज एन ओल्ड और आर्केक वर्ड इसका आजकल मीनिंग होता है ए आर ई आर आर मीन्स है और दाउ को आजकल कहते हैं यू ये मॉडर्न इंग्लिश है और मॉडर्न इंग्लिश में से यू कहते हैं और पहले इसको बोलते थे दाउ और दाउ का थोड़ा मीनिंग ये भी हो सकता है कि तुम या तू तो जब भी हम अपने प्रिय लोगों से बात करते हैं तो इसी तरीके के वर्ड्स यूज करते हैं वी यूज सच काइंड ऑफ अ वर्ड व्हेन वी टॉक टू आवर नॉन पीपल आफ्टर दैट द वर्ड कम्स सेड इट इज वेल नोन बाय यू कहा आई मीन्स मैं टू व्हेन एवर वी टॉक टू समबडी देन द प्रीपोजिशन टू कम्स इन बिटवीन द इट इज एन आर्टिकल सॉफ्ट फॉलिंग सो फॉलिंग मीन्स डाउन पोरिंग नीचे की तरफ गिरती हुई सॉफ्ट वेरी डेलिकेट शॉवर शॉवर आप जानते हैं रेन हाँ बरसात की जो बौछार है उसको शॉवर कहेंगे विच जो कि स्ट्रेंज अजीब है पेक्यूलियर टेल टू टेल मीन्स बताने में स्ट्रेंज टू टेल बताने में बड़ी स्ट्रेंज लग रही है गिव मी एन आंसर गिव मीन्स दिया एन आंसर मीन्स रिप्लाई एज As when we compare two things, jaisa ki, here translated means change into another language, anuvad kiya gaya, as I am doing, I am the poem of the earth, yahan kuch nahi hai, main is word ki pehli poem hu, wo khud apna introduction de rahi hai, said, kaha, voice of the rain, so, voice means awaaz, rain means baris, eternal I rise, impalpable out of the land and the bottomless sea eternal means everlasting I means main and it is the word that refers to the poem rise uthti hai impalpable jiska meaning hota hai jise chua na ja sake that is very hard to touch we are not able to touch it is abstract And as you know that it comes in the form of vapor when it arises from the sea due to the heat. And you know very well, those who are the student of science, they know well and they have gone through the rain, how the rain becomes and how the water changes into the forms. So, yahan jab samudar se uthti hai, to us samay bataya gaya ki impalpable hu, jisko touch nahi kiya ja sakta, out of the land and the bottomless sea. Well. तब जो जमीन से दूर होती हूँ एंड बॉटमलेस सी बॉटमलेस दैट इज कॉल्ड जिसको कोई पैंदा नहीं हो जिसका कोई और छोर नहीं हो दैट इज कॉल्ड बॉटमलेस अपवर्ड मीन्स ऊपर की तरफ इवन मीन्स स्वर्ल्ड एंड वेंस मीन्स जैसे कि वैगली स्पष्ट रूप से फॉर्म्ड बना हुआ ऑल टुगेदर साथ साथ चेंज मीन्स परिवर्तित येट मीन्स तो भी द सेम मीन्स बिल्कुल वैसा का वैसा और वेगली का मतलब अनिश्चित प्रकार से भी हो सकता है जिसका कोई अच्छा रूप नहीं हो फॉर्म्ड मीन्स रूप धारण कर लेना
इसके बाद जो वर्ड हमारे पास आते हैं वो आता है डिसेंट। डिसेंट मीन्स होता है नीचे आना या गिरना। लेव मीन्स होता है धोना या स्नान करना। आई डिसेंट टू लेव। लेव मीन्स धोना या स्नान करना। ड्रॉट्स मीन्स सूखा या अकाल गिरना। एटमीज मीन्स जो एटम्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड एटम इन प्लूरल फॉर्म एटमीज। डस्ट लेयर यू नो वेरी वेल, डस्ट धूल होती है। लेयर मीन्स बर्फ होती है। ग्लोब यू नो द अर्थ एंड द स्मॉल सैंपल ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड अ ग्लोब। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मीन्स के बिना। वर पास्ट फॉर्म ऑफ बी। सीड्स ओनली, सीड्स मीन्स होते हैं बीज। लेटेंट, लेटेंट मीन्स होता है अप्रकट या अनंकुरित, अप्रस्फुटित। जो बीज होते हैं, जो लेटेंट होते हैं, जो अभी प्रस्फुटित नहीं हुए हैं, अनबोर्न, जो कि अभी जन्मे ही नहीं है। एंड फॉर एवर, हमेशा के लिए। डे एंड नाइट एक दूसरे के ऑपोजिट है, दिन और रात। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओवन ओरिजिन। ओरिजिन जन्म स्थान। ऑन मीन्स खुद का। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई। प्योर मीन्स शुद्ध, ब्यूटीफाई मीन्स सुंदर रूप लिए हुए। सॉन्ग यू नो वेरी वेल, सॉन्ग मीन्स गीत या गाना, और गाने वाले पक्षियों के लिए भी हो सकता है। इश्यूज बाहर निकालना, इश्यूइंग या आईएनजी फॉर्म आई है। फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट मीन्स हो जाती है तृप्ति। वॉन्ड्रिंग घर से बाहर इधर उधर घूमना, भटकना। रोम हियर एंड देयर। रैक्ड फोर अनरेक्ड, किसी के द्वारा सुना गया अथवा नहीं सुना गया। किसी ने इसको रैक्ड कहा और किसी, मतलब किसी ने सुना और किसी ने नहीं सुना। ड्यूली विथ लव रिटर्न्स, वापस लौट आता है। विथ लव मीन्स प्यार से, और ड्यूली जब भी हम यूज करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि बिल्कुल सही सही। इस तरीके से हमारे पास हार्ड वर्ड आ गए हैं। यहाँ जो हमारी बुक में जो हार्ड वर्ड दिए गए हैं वो फोर है ओनली। इम्पेलेबल, लेव, एटमीज एंड लेटेंट। समथिंग दैट कैनॉट बी टस्ट, दैट इज कॉल्ड इम्पेलेबल। So you must know the words and you have to understand these also and try to learn and use in your own sentence so you will remember these. Lev means wash and bath. Atomic, tiny particles. And latent, hidden, that is not in front of you, that is under the ground, that is hidden, means it is not born till. So this is, and these are the hard words of the poem. And now try to understand the poem's structure. Here once I will clean this. Okay, now we will try to understand. These are the five beginning lines of the poem, and which is strange to tell, I am the poem of the earth, eternal I rise, and upward to heaven. These are the opening line of the lines of the poem, and this is the first stanza of the poem. Opening line, first stanza, these are the four lines. I understand and all that in and forever and make pure and beautify it. This is the second stanza of the poem, and the last two lines, four song and wrecked or unwrecked. This is the last stanza of the poem. So we will understand stanza wise. And we will try to get the meaning. First of all, I would like to tell you in Hindi. Guys, the student, those who are from English medium, they have to understand the English meaning. And afterward, they have to translate everything in English. So no need to go through the Hindi pattern. But those who are from Hindi medium, try to understand first. And after that, try to convert your sentences into English. And to translate, you have to watch my more videos. And you can translate it. It's very easy to translate. But first of all, you have to know the hard meaning of the words, and after that you have to use them into sentence. While using in sentence, you have to take care of your grammar, and grammar is not a big deal. Go through the rules and you will get to know. Otherwise, be with me, I will tell you how to grammar in easy way.
it's a first stanza. And who art thou? Said I to the soft falling shower. Which is strange to tell, give me an answer. Edge here translated. I am the poem of earth, said the voice of the rain. Eternal I rise, impalpable, out of the land and the bottomless sea. Upward to heaven, whence vaguely formed, altogether changed and yet the same. So guys, first stanza ko samajhne ke liye hum dekh rahe hain. This is only the poem where a person who is talking to the rain, and rain is speaking to a person, and both are understanding each other. So it is really very strange for the common people to understand the meaning. So yahan kavi keh raha hai, कवि वर्षा के साथ अपनी काल्पनिक मुलाकात का वर्णन करता है। कवि कोमलतापूर्वक गिरती हुई वर्षा की बौछार से प्रश्न करता है कि वह कौन है, हु आर्ट दाउ। कवि के इस प्रश्न का वर्षा एक अजीब स्वर में उत्तर देती है, विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड। कवि आश्चर्यचकित हो उठता है जब वर्षा उससे एक अजीब भाषा में बात करने लगती है जिसे केवल कवि ही समझ सकता है। कवि इस भाषा को पाठकों की सुविधा हेतु अनुवाद कर देता है। अपने उत्तर में वर्षा कहती है कि वह पृथ्वी का काव्य है। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। इससे आगे वह कहती है कि वह अनंत काल से सदैव ही जमीन तथा अतः गहरे समुद्र से जन्म लेती है। इसके आगे वो कहती है, आई राइज इम्पेलपेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। जब वह ऊपर उठती है तब न तो कोई उसे छू सकता है और न ही उसे महसूस कर सकता है। इट इज इम्पेलपेबल व्हेन इट राइजेस। और आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से गर्मी पा करके पानी वहाँ बन करके ऊपर की तरफ उठता है। इट चेंजेस इन टू द वेपर और मॉइस्चर एंड गोज अपवर्ड्स एंड देयर द डस्ट पार्टिकल्स आर floating in the sky and they come into contact with the water vapor wasp and after that they forms in the clouds and clouds changes into rain. You know the cycle how the water changes and after that fall from the sky. So aap sabhi jante hain upward to heaven whence vaguely formed. Uthkar ye aakash mein chali jati hai jahan vah ek aspasht roop dharan kar leti hai जो उस रूप से बिल्कुल भिन्न होता है। एक अस्पष्ट रूप, अ वेगली अदर चेंज्ड, जो कि पहले वाले रूल से बिल्कुल चेंज हो जाता है। एंड येट द सेम, और फिर जैसे ही फॉल होता है, नीचे गिरता है, फिर सेम हो जाता है। वह केवल रूप की दृष्टि से ही परिवर्तित होती है। सो दिस इज द हिंदी ट्रांसलेशन। हिंदी में आपने इसको समझा। एंड इन इंग्लिश आई विल टेल यू, द पोएट डिस्क्राइब हिज इमेजिनेटिव मीटिंग विद द रेन। The poet asked the softly and gently falling shower of the rain who she is. To this inquiry of the poet, the shower over the rain gives an answer in a strange voice. The poet is understruck when the rain starts speaking to him in a strange language that only the poet himself can understand. He translates it for the convenience of the readers. In its answer, the rain states that it is the poem of the earth. Further, it says that it rises or takes birth eternally from the land and the immeasurably deep sea. No one can touch or feel it when it is rising. It rises to the sky where it takes a vague form which is quite different from the form in which it rises, but it remains the same in the essential nature and composition. It changes only in its form. So this is the explanation of this stanza, where we can understand the first five lines and these are the opening lines. While explaining, jab aap explain karo to aap yahan se start kar sakte hain. These lines have been taken from the poem The Voice of the Rain, written by Walt Whitman. यहाँ से आप स्टार्ट करें और फिर अपने वर्ड्स में इनका ट्रांसलेशन करें, एक्सप्लेन करें एंड ट्राई टू ऐड सम एग्जांपल्स इफ यू हैव आंसर वेरी क्लियरली सो दैट यू कैन
स्कोर मोर एंड मोर नंबर, और अच्छे नंबर आपको बन सके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेंजा। नेक्स्ट स्टेंजा में कहता है, वर्षा अपने क्रियाकलापों के बारे में बात कर रही है, वह क्या करती है और किस प्रकार पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु को जीवन प्रदान करती है, यही कवि के साथ उसकी बातचीत का विषय है। वर्षा कहती है कि वह पृथ्वी पर आती है तथा सूखाग्रस्त स्थानों, मिट्टी के सूक्ष्म कणों तथा रेत की परतों को नहलाती है। आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स, मैं नीचे आती हूँ, लेव स्नान करवा देती हूँ, ड्रॉट्स जो सूखी है, एटमीज जो कण है, डस्ट लेयर्स मिट्टी के परते हैं, द ग्लोब इस पृथ्वी के, तो मैं नीचे आकर के इन सब को नहला देती हूँ और इनको जीवन प्रदान करती हूँ। वह पृथ्वी पर आती है तथा सूखाग्रस्त स्थानों, मिट्टी के सूक्ष्म कणों तथा रेत की परतों को नहलाती है। वह उन सबको स्नान कराती है जो उसके बिना केवल बीज ही बने रहते हैं। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी विदाउट रेन वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबोर्न, वो जमीन में दबे हुए रहते हैं और अभी तक अनबोर्न है, वो प्रस्फुटित नहीं हुए हैं। बिना वर्षा के वे कभी भी अंकुरित होकर नए पौधे नहीं बन सकते थे। तो वर्षा अपना यूज बता रही है कि मैं किस काम की हूँ पृथ्वी के लिए। एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माय ओवन ओरिजिन, वे निष्क्रिय एम एजन में ही रहते होते। वर्षा कहती है कि वह हमेशा ही पृथ्वी को जीवन देती रहती है, जिस पृथ्वी से वह स्वयं जीवन पाती है, वह पृथ्वी को शुद्ध एवं सुंदर बनाए रखती है, जिस जमीन से वो खुद ओरिजिन है, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई इट, और इसी जमीन को शुद्ध और ब्यूटीफाई बनाती रहती है। द रेन इज टॉकिंग अबाउट इट्स एक्टिविटीज, व्हाट इट डज एंड हाउ इट गिव्स लाइफ टू एवरीथिंग ऑन द अर्थ इज द सब्जेक्ट इट्स टॉक विद द पोएट। The rain says that it comes down to the earth to bath the places affected by droughts, small particles of dust and layers of dust. It baths all those who without it would have remained as seeds only. Without the rain, they would never have sprouted into new plants. They would have remained inactive and unborn. The rain says that it keeps on giving back life forever to the earth from which it itself receives life. It keeps on making the earth pure and beautiful. So this is the meaning of the second stanza. I describe the drought means the rain is talking about its activities in this, and the last and the third one for song issuing from its birthplace after fulfillment wandering wrecked or unwrecked duly with love returns. क्योंकि एक गीत अथवा गाने वाला पक्षी जो अपने जन्म स्थान से बाहर आता है तृप्त प्राप्त करने के बाद, चाहे उसे सुना गया अथवा नहीं सुना गया, वापस जन्म स्थान को लौट जाता है। कभी वर्षा की तुलना एक गीत गाने वाले पक्षी से करता है। अभी देखिए यहाँ नया कंपैरिजन बहुत अच्छे देखने को आया कि कवि यहाँ कंपेयर किससे करता है, एक गीत गाने वाले पक्षी से करता है। एक गायक पक्षी अपने घोंसले से रवाना होता है और अपने गीतों को गाता हुआ इधर उधर घूमता है ताकि अपने जीवन साथी को आकर्षित कर सके। घूमने फिरने तथा प्रेम की संतुष्टि प्राप्त कर लेने के बाद वह अपने घोंसले पर वापस आ जाता है। फॉर सॉन्ग इश्यूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग, जो इसका जन्म स्थान है, यह पक्षी इस बात की परवाह नहीं करता है कि किसी ने उसके गीत पर ध्यान दिया है अथवा नहीं, वह संतुष्ट होकर अपने घोंसले को लौटता है। इसी प्रकार वर्षा पृथ्वी से जन्म लेकर उठकर प्रत्येक कण को जीवन प्रदान करने के बाद वापस लौट जाती है। पृथ्वी पर जो इसकी जन्मभूमि है, अपने कर्तव्य को पूरा करने के बाद वह प्रसन्न एवं संतुष्ट महसूस करती है। इन पंक्तियों को एक भिन्न प्रकार भी दिया गया है या भिन्न अर्थ भी दिया गया है, इनको ब्रैकेट में भी रखा गया है। एक गीत कवि के हृदय से निकलता है जो
इसका जन्म स्थान होता है, कवि अपना गीत गाता है तथा पृथ्वी पर अपना संगीत बिखेरता है। वह इस बात की परवाह नहीं करता कि कोई उसके गीत को सुन रहा है अथवा नहीं। जब वह अपना गीत गा चुका है तो यह गीत वापस उसके हृदय में ही बस जाता है जो उसका जन्म स्थान है। यह गीत वर्षा की भांति बार बार उड़ता है तथा कवि के अंदर हृदय को प्रसन्न एवं शुद्ध बनाए रखता है। सो फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, द पोइट कंपेयर्स द रेन टू अ सिंगिंग बर्ड। अ सिंगिंग बर्ड लीव्स इट्स नेस्ट एंड वॉन्डर्स अबाउट सिंगिंग इट्स सॉन्ग टू अट्रैक्ट इट्स मेट। देन आफ्टर वॉन्डरिंग एंड द फुलफिलमेंट ऑफ इट्स लव, इट रिटर्न्स टू इट्स नेस्ट विच इज इट्स बर्थ प्लेस लाइक द ड्रॉप्स ऑफ द रेन। द ड्रॉप्स ऑफ द रेन स्टार्ट्स फ्रॉम द सी। देन आफ्टर वॉन्डरिंग एंड द फुलफिलमेंट ऑफ इट्स लव, इट रिटर्न्स टू इट्स नेस्ट विच इज इट्स बर्थ प्लेस। इट डज नॉट केयर वेदर एनी वन हैज पेड अटेंशन टू इट्स सॉन्ग और नॉट, इट कम्स बैक सेटिस्फाइड टू इट्स नेस्ट। सिमिलरली द रेन हैविंग राइजन फ्रॉम द अर्थ इट्स बर्थ प्लेस रिटर्न टू इट आफ्टर गिविंग लाइफ टू एवरी पार्टिकल ऑन द अर्थ, इट फील्स हैप्पी एंड सेटिस्फाइड हैविंग डन इट ड्यूटी। These lines can be given a different meaning also. A song comes out of a poet's heart, its birthplace. The poet singing his song and scatter its strains on the earth. He does not care whether anyone is listening to his song or not. After he has sung his song, it settles back into the heart, into his heart, which is its birthplace. The song, like the rain, keeps rising again and keeps the poet's heart pure and happy. So this is the end of the poem. And I hope that you have got it correctly. If you have any doubts, any queries, you can ask. Okay, so see you tomorrow. Till then,